नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। मछली खाने से डायबिटीज का खतरा कम हो जाता है, ये बात कई अध्ययन में साबित हो चुकी है। ज्यादा मछली खाने से मधुमेह के खतरे को पूरी तरह कम नहीं किया जा सकता, लेकिन मोटे और ओबेसिटी के शिकार लोगों में इसके खतरे को कम जरूर किया जा सकता है। इसके सेवन से मोटे लोगों में डायबिटीज के खतरे को बढ़ने से रोका जा सकता है। मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन और विटामिन डी जैसे आवश्यक पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत होता है, जो मरीजों में शुगर को नियंत्रित करने के साथ ही दिल के खतरे से भी बचाता है। ओमेगा 3 प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस को कम करते हैं, इसकी वजह से डायबिटीज में बढ़ोतरी होती है। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी नियंत्रित करने के साथ हृदय रोग और मधुमेह के रिस्क को कम करने में सहायक है। वहीं सैल्मन और हेरिंग जैसी फैटी फिश में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 और विटामिन डी मौजूद होता है। विटामिन डी आपके डायबिटीज के खतरे को कम करता है, साथ ही इंसुलिन की संवेदनशीलता में सुधार करता है और इससे डायबिटीज का रिस्क कम होने लगता है। NHS के मुताबिक डायबिटीज के मरीजों को हफ्ते में कम से कम 1 से 2 बार फैटी फिश का सेवन जरूर करना चाहिए। इसमें 140 ग्राम पकी हुई मछली खानी चाहिए। वहीं डायबिटीज मरीजों को तिलापिया, ट्राउट कॉड, टूना सैल्मन, सार्डिन मैकेरल, हेरिंग जैसी मछलियों का सेवन काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। वहीं मधुमेह को मैनेज करने के लिए मछली खाने से हालांकि इसकी अधिक मात्रा प्रतिकूल प्रभाव भी पैदा कर सकती है। बहुत ज़्यादा वसायुक्त मछली और पारायुक्त मछली का सेवन करने से बचें। इसके अलावा ओमेगा 3 की खुराक या मछली के तेल की खुराक शुरू करने से पहले एक चिकित्सा विशेषज्ञ से परामर्श भी जरूर लें। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।